हेलो दोस्तों, मैं राधा सिंह यादव आप लोग का एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज पिछले वीडियो में 1899 से लेकर 1905 तक पढ़ा दिया था। आज 1906 से लेकर 1910 के बीच इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था। 1906 में इस टाइम 1905 से लेकर 1910 तक भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और कहाँ? ढाका में। इसके द्वारा फाउंडेड बाय सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा फाउंडेड किया जाता है, और इसका हेड क्वार्टर जो है लखनऊ। हेडक्वार्टर मुस्लिम लीग का कहाँ? लखनऊ में था। और 1906 में कांग्रेस सेशन का बात करेंगे तो 1906 में कांग्रेस सेशन का तो कोलकाता में हुआ था। 1906 में कांग्रेस सेशन कोलकाता में हुआ था। उस टाइम में कलकत्ता अध्यक्ष इसका प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। मुस्लिम लीग का मेन कारण था कि अपना मुस्लिम लीडर सबका अपने से अलग, मुस्लिम सबके लिए फायदा, सबके लिए अलग पार्टी बनाना, और अंग्रेज का इसमें मुख्य काम था बनवाने के लिए। बता दिया 1907 में जो दिन है सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट मतलब सूरत विभाजन नहीं, यहाँ कांग्रेस का विभाजन हुआ था। जिस कांग्रेस का सेशन 1907 में सूरत में हुआ था। 1907 में सूरत में। इसका अध्यक्ष कौन थे? राज बिहारी बोस। कांग्रेस दो भाग में बढ़ गई थी, मोन्ट्रेल और एक्सीडेंट। कांग्रेस दो भाग में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स मतलब नरम दल। एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल। इसका लीडर जो था इसका था जीके गोखले। दादा भाई नौरोजी। इसका लीडर का बात करेंगे तो इसका लीडर बाल लाल पाल, बाल तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ये जो था ये स्ट्राइक्स में विश्वास करते थे।
स्ट्रैक्स, वैकोट, स्टॉप, वेस्टर्न एजुकेशन। इसी चीज का उल्टा था, स्ट्रैक्स स्ट्रैक्स में विश्वास नहीं करते थे, बॉयकॉट में नहीं, और वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन को बोलते थे अच्छा। ये बोलते थे कि शांति से हम लोग को स्वतंत्रता मिलेगी, और ये बोलते थे हम वेस्टर्न स्ट्रैक्स करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, तब हम लोग को स्वतंत्रता मिलेगी। उन्नीस सौ छः और 1907 के बाद 1908 की बात करते हैं। 1908 में जो है पराफुला चक्की और खुदीराम बोस ने मिल के बम फेंके थे अंग्रेज अधिकारी पे। अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड को मारना चाह रहे थे, लेकिन उस दिन उस कैरियज में किंग्सफोर्ड लेट्स आए थे। उस दिन उसमें दो महिला थी, ब्रिटिश उसका गाइड हो गया था। इसको सजा हुआ था 11 दिसंबर ग्यारह दिसंबर 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ा दिया गया। और पराफुला चक्की जो था इसने खुद अपने से गोली मार के मर गए थे, क्योंकि अंग्रेज सिपाही इसको घेर लिए थे। अब बात करते हैं 1908 में बाल गंगाधर तिलक को छह साल के लिए मांडले जेल भेज दिए थे। मांडले जो कि अभी बर्मा में है। और 1908 के कांग्रेस सेशन का बात करते हैं, तो 1908 में कांग्रेस सेशन मद्रास में हुआ था। प्रेसिडेंट राज बिहारी घोष थे। अब आती है 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले उस टाइम में भारत का सचिव थे, जो ब्रिटेन में रहते थे, और मिंटो वायसराय थे, भारत का वायसराय। दोनों ने मिल के भारत रिफॉर्म्स बनाए, सुधार बनाए। उसमें था इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें 16 से 60 की है, जिसमें 27 जो है इलेक्टेड बाय पीपल और 33 तो नॉमिनेटेड बाय वायसराय।
दूसरा जो था ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब जिस क्षेत्र में मुस्लिम वोट है उसमें सिर्फ मुस्लिम खड़ा हो सकते हैं और सिर्फ मुस्लिम वोट दे सकते हैं। तीसरा जो थे नौ नौ इंडियन मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, नौ इंडियन मेंबर्स इज पार्ट ऑफ प्रोविजनल प्रांतीय विधान परिषद में आप भारतीय जो है उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक, और बात करते हैं 1909 में कांग्रेस सेशन की, 1909 में कांग्रेस सेशन लाहौर में हुआ था। प्रेसिडेंट इसका मदन मोहन मालवीय, पार्लियामेंट रिपोर्ट होने के बाद 1910 में कांग्रेस सेशन का बात करते हैं। 1910 में कांग्रेस सेशन इलाहाबाद में हुआ था। प्रेसिडेंट था विलियम नगरवन। इस तरह से आज का क्लास खत्म होती है, फिर अगले क्लास में 1910 से आगे पढ़ाऊंगा।